एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। और आज का ब्लॉग जो है वो मैं बनाऊंगी कि लहसुन की खेती कैसे करते हैं। सो आपको भी साथ में दिखाऊंगी कि लहसुन की खेती कैसे कर। सो फाइनली मैं खेत में ही हूँ, ये घर के साथ में ही ये खेत है, एक क्यारी टाइप है ये, तो उसी में हूँ मैं। तो मैंने सोचा मैं लगा रही हूँ तो आपको भी दिखा देती हूँ। और सुबह का टाइम हुआ है अभी 7:30, सो मैं 7:30 बजे ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ और साथ में आपको लहसुन की खेती भी दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं इसको। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ आएगा कि लहसुन की खेती कैसे करते हैं। गाइस ये देखो, मैंने लहसुन लिया है इसमें, और ये पहले इतनी बड़ी बड़ी जो ये गुठलियाँ होती हैं ना, सो इनको हमने ओपन करना, मतलब इनको सारी एक एक करके ऐसे खोल देनी है। ये देखो कितना बड़ा बड़ा, बीच बीच में कोई कोई बड़ा भी है। ये मेरी मम्मी से लेके आई थी मैं, मैंने सोचा लगाना है तो उनसे लेके चलती हूँ। सो इनको सारे को ही खोल देना है, मतलब एक एक गुठली बना देनी है इसकी, एक एक ही लगानी है, अपने दो दो नहीं लगानी है, एक एक ही लगानी अकेले अकेले। सो उसके बाद इनको फटाफट से खोल लेते हैं हम। तो देखिए मैंने इसको सारा ही खोल दिया, मतलब एक एक गुठली जो है इसकी बना दी है मैंने, देख सकते हो आप कितना अच्छा है ये। बड़ा बड़ा लहसुन लेना, छोटा भी लगा सकते हो आप, छोटा भी बड़ा हो जाता है। और फिर ये देखिए मैंने इसकी खुदाई भी कर दी है, ये देख सकते हो आप, इसको पूरा ही कल मैंने उससे दिहाड़ीदार लगाया था उसने कर दिया है, इसको गुड़ाई कर दी मतलब इसकी। और अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी क्यारियाँ, छोटी छोटी क्यारियाँ बनानी है आपने। सो मैं दिखाती हूँ आपको क्यारी बना के। सो गाइस यहाँ साइड में आपने छोटी छोटी सी ऐसे कर देना है इसको, ताकि ये अच्छे से क्यारी बन जाए। और इसके बीच में से भी ऐसे खुदाई कर लेनी है पहले, और फिर उसके बाद आप पहले भी गोबर मिला सकते हो इसमें, गोबर से भी अच्छा होता है ये, पहले भी गोबर मिला सकते हो। अगर आप पहले नहीं मिलाना चाहते हो तो आप बाद में भी मिला सकते हो, जब आप लहसुन लगा देते हो ना, फिर उसके बाद जब आप फिर से उसकी गुड़ाई करते हो, मतलब तो हल्का हल्का निकलने लगता है वो, फिर उसके बाद गुड़ाई होती है तब भी लगा सकते हो आप उसको, गोबर तब भी फेंक सकते हो आप उसमें, तब भी अच्छा रहता है, तब भी बड़े बड़े जो लहसुन हैं वो 4-5 गुठलियाँ लग जाती हैं नीचे। ये देख सकते हो आप, ऐसे हमने इसको साफ़ करना है और अच्छे से इसको मोटा मोटा नहीं रहने देना, इसको सारा ही क्लियर कर देना है। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप। सो गाइस मैंने फ़ोन को रख दिया अब साइड में, और मैं लगी अब लहसुन की क्यारी बनाने, जो कि बहुत अच्छे से सॉफ्ट मिट्टी में बनाई जाती है। अगर आप ऐसे उबड़ खाबड़ या पत्थर पड़े हों या कुछ पड़ा हो तो अच्छे से लहसुन नहीं निकल सकता वो, तो इसके लिए इसको पूरी तरह से क्लीन करना पड़ता है पहले। सो ये फाइनली अब रेडी हो चुका है। गाइस हमने फाइनली यहाँ पे एक क्यारी बना दी है, ये देख सकते हो आप, और अब हम इसमें लगाएंगे लहसुन और बाद में ही फेंकेंगे हम गोबर, अभी नहीं फेंकेंगे। सो ये पूरा ही क्लीन है, और इस साइड मिर्ची भी लगी हुई है हमारी, देख सकते हो आप। मिर्ची की खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती थी, पर पत्रोड़े के पत्थर, पर अभी हमने काम लगाया ना घर का, तो उसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो अभी हम लगाते हैं लहसुन। सो गाइज हम सबसे पहले ऐसे क्यारी बनाएंगे ऐसे करके हाथों से, और फिर उसके बाद एक एक गुठली जो है ऐसे, ये वाला हिस्सा जो है ना इसका, ये वाला हिस्सा ये नीचे की तरफ रखना है, ये वाला जो है, और ये वाला जो ऊपर की तरफ। सो इसको हम एक एक करके लगा देते हैं, थोड़ा दूर दूर ही लगाना, नज़दीक नहीं लगाना, ज़्यादा घना हो जाए ना तो भी अच्छा नहीं होता। फिर देख सकते हो आप, इसको हमने ऐसे लगा दिया, फिर ऊपर से यहाँ से इसको फिर से मिट्टी से ऐसे ढक लेना है, उसके बाद से हाथों से इसके ऊपर मिट्टी फेंक देनी है। सो गाइज हम लहसुन की खेती जो है सर्दियों के शुरू होते ही या सर्दियों से पहले लगा सकते हो, और आप ये वाला लहसुन शॉप से आसानी से ले सकते हो, सब्जी मंडी में जो खाने के लिए लहसुन आता है उसको आप उसको भी लगा सकते हो, और ये अक्टूबर नवंबर के महीने तक ही लगता है। और इसकी
ये जो खेती होती है वो 130 से 140 दिनों की होती है, और लहसुन की जो खेती होती है वो चिकनी भारी मिट्टी को छोड़कर सब मिट्टी में हो जाती है। सो गाइज, इसको हमने ये जो जड़ का पार्ट है इसको नीचे की तरफ दबा के लगाना है, और इसको 2-2.5-3 इंच की दूरी पर ही लगाना है, इसको साथ साथ में नहीं लगाना है। और आप ऐसे हाथ से क्यारियाँ डाल के इसको आराम से लगा सकते हो। लहसुन की खेती करना बहुत ही आसान होता है और इजी तरीके से बताया गया है। सो इसको आप बड़ी आसानी से लगा सकते हो, और हर सब्ज़ी में 1-2 लहसुन की कलियां ज़रूर ऐड करें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। खेत में फाइनली मैंने लहसुन लगा दिया, और यहाँ तक ही लगाया मैंने, और आगे अभी खाली है लहसुन इसमें, और इसमें मैंने लहसुन लगा दिया, और इसमें मैंने साग मतलब सरसों डाल दी और मेथी थोड़ी सी, और आगे वाले में मैंने लगाए हरा मटर, और उससे आगे मैं लगाऊंगी पालक एंड धनिया एंड मूली सलगम। वो अभी मेरे पास बीज नहीं है, जब मैं लेके आऊंगी तब लगाऊंगी। तो गाइस देख सकते हो मेरा बगीचा। सो अभी जब ये उग जाएगा मतलब बाहर निकल जाएगा तब भी दिखाऊंगी आपको, बट ये वाला व्लॉग मैं पहले ही डाल दूंगी, आज या कल डाल दूंगी इसको। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।